हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हिंदी का प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, जिसमें 30 इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे जो आपकी यूपी टेट एग्ज़ाम और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हो। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋतिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ये त्यागपत्र के उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, जैनेन्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? देखिए, इसको जो लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर हमने चारों ऑप्शनों को पढ़ना होगा, तभी हमें शुद्ध वाक्य प्राप्त होगा। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ठीक लग रहा है। उसने मुझसे पास आने को कहा, यहाँ पर गलत है। देखिए, मुझसे नहीं होता है, उसने मुझे पास आने को कहा, को गलत है। यहाँ पर उसने मेरे को पास आने के लिए कहा, तो ये भी यहाँ पर गलत है, मेरे को। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। तो ये सही शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरीबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रव सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? देखिए, इस इन पंक्ति में जो छंद है वो सोरठा छंद है। यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा, सोरठा छंद। आपको बता दूं, सोरठा जो होता है वो धोए का उल्टा होता है। किसका? सोरठा जो होता है धोए का उल्टा होता है, और धोए में होती है 16 मात्राएं। सोल्टे में भी 16 मात्राएं होती है, लेकिन इनके चरण में फर्क होता है, ठीक है ना? किस प्रकार से? दोहे में तो होती हैं, यहाँ पर 13 होती है प्रथम चरण में, और सेकंड में 11 होती है, और तृतीय में 13 और चतुर्थ में 11। तो इसी प्रकार से हम सोल्टे में चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगी 11, यहाँ पर 13, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 13। यानी कि इसका उल्टा होता है, ठीक है? तो ये जो हमारी पंक्तियाँ हैं, ये सोल्टा छंद से ली गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स? और बरवे में आपके 19 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सी वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। देखिए, शुद्ध वर्तनी ये यहाँ पर गलत है, बड़ा से आ रहा है, ये गलत है, यहाँ पर डबल से आ रहा है, विशेष यहाँ पर ये गलत है, लेकिन ये वाली सही है, विशेष। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने इनमें से क्या नहीं लिखा है? कामयानी नहीं लिखा है, ये जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है ना? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर नहीं दिया गया है, नहीं लिखा है, तो कामयानी नहीं लिखा है, जयशंकर प्रसाद की है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर चौराहा शब्द में कौन सा समास है? देखिए, जिन शब्दों में अंक आता है, जैसे दो गुना, तीन गुना, चौराहा, तो वहाँ पर होता है द्विगु समास। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा, द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के शुरू में, तो यहाँ पर पूछा गया है कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उपकार में किया गया है। उप जो होता है, ये उपकार का, उपकार शब्द का उपसर्ग है, ठीक है? और इसका उल्टा होता है प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ओंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ओंधी खोपड़ी होना यानी मूर्ख होना। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, मूर्ख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर शब्द किसे कहते हैं? देखिए, संकर शब्द कहते हैं दो भाषा के शब्दों से मिलकर जो बना शब्द होता है, उसको संकर शब्द कहते हैं। दो भाषा मिलाई जाती हैं और उनके मेल से एक नया शब्द बनता है, जिसको संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? देखिए, प्रत्यय का प्रयोग शब्द के बाद में होता है, तो सूता में क्या मिलाना चाहिए जिससे कि स्त्रीवाचक को आ मिला दो आप, सूता, ठीक है? तो ये स्त्रीवाचक हो जाएगा, सूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, अधिक प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असु का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पर असु का यानी घोड़े का, असु का, घोड़े को संस्कृत में असु बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा बिल्कुल सही है, घोटक सही है भी सही है, लेकिन कटक असु का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? देखिए, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसको बोलता है यायावर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, यायावर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलो
हर बोलो के मुंह अब हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? देखिए, ये जो पंक्ति रची है ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने रची है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर समास का अर्थ है। देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? तो इनमें से एक नहीं आता है जो भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। सुनना ये आता है, बोलना ये भी आता है, हंसना ये नहीं आता, लिखना ये तीनों क्या होते हैं, भाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हंसना भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए, काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है रसानुभूति और आनंदानुभूति कराना, ठीक है ना। काव्य का अर्थ होता है रसानुभूति और आनंदानुभूति कराना, यानी कि सुनने में मजा आना चाहिए, ठीक है ना। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, यही होता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? देखिए, विशेषण का प्रयोग यहाँ पर हमें ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। राम जाता है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। सीताफल खाती है, मेरी गाय काली है। देखिए, इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं मेरी गाय काली है, तो यहाँ पर विशेषण का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो मेरी गाय कैसी है, काली है, तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, मेरी गाय कैसी है, काली है, तो यहाँ पर विशेषण होगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण में कक्षण वह प्रणाली के प्रयोग से, तो यहाँ पर सही आंसर हमने छाटना होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग पूछा गया है, तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, वाहनारूढ़। तो वाहनारूढ़ शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? देखिए, रसराज जो कहा जाता है वो श्रृंगार रस को कहा जाता है। किसको? श्रृंगार रस को। और इसका स्थायी भाव है रति या फिर प्रेम, ठीक है। कहीं कहीं इनका स्थायी भाव भी पूछ लिया जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, या तो प्रेम मिलेगा आपको ऑप्शन में, या रति मिलेगा। इसी तरीके से वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, और हास्य रस का है हास, ठीक है। तो इनको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर रसराज पूछा गया, रसराज यानी रसों में राजा, तो श्रृंगार रस है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद को माना जाता है ऋतिकाल का। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ऋतिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पर शुद्धवर्तनी छाटना है। देखिए, शुद्धवर्तनी हमने आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आशीर्वाद, ठीक है। तो यहाँ पर आती है रे, तो इसी तरीके से हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? देखिए, को से जो होता है वो होता है कर्म कारक का, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, को जो कारक चिन्ह है वो कर्म कारक का है। यदि करण की बात की जाए, करण कारक, इसके जो बोधक चिन्ह है वो से है और के द्वारा, ठीक है। और संप्रदान की बात की जाए, इसका को है और के लिए, ओके। और अधिकरण की बात की जाए, मैं और पर, ये इसके बोध कारक है। तो यहाँ पर पूछा है को किसका बोध कारक है, तो कर्म कारक का है, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है? देखिए, इनका उपनाम है आज्ञे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, आज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं? देखिए, बिहारी के जो प्रसिद्ध हैं वो दोहे हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर होंगे, दोहे। तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? दोहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 30% जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे कवर किए, जो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। TGT PGT UPI TET एग्जाम के लिए और अदर्स एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिए,
एंड तक देखिए और शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।